आज बड़ी देर से घर आए? हमेशा हर एक स्त्री अपने पति से यही एक दो सवाल पूछा करती है। जब पति देर से घर आए तो कहेगी आज इतनी देर से क्यों आए, जब जल्दी आ जाए तो कहेगी आज इतनी जल्दी क्यों आ गए। बाहर मत जाया करो, नहीं पूछा करूंगी। बस कल से दफ्तर ही नहीं जाऊंगा, 24 घंटे तुम्हारे पास बैठे रहेंगे। दफ्तर नहीं जाओगे तो खाओगे कहाँ से? खाने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें देखकर मेरी भूख मिट जाएगी और मुझे देखकर तुम्हारा पेट भर जाएगा। और बच्चों का क्या होगा? बच्चों का? एक ही तो बच्ची है अपनी, आने वाला जो है। आने वाले बच्चे का प्रकाश तुम्हारे सुंदर मुखे पर अभी से झलक रहा है। चलो हटो, देख लेना आने वाला बालक कितना भाग्यशाली होता है। अच्छा जी, ये अंदाजा आपने अभी से कैसे लगा लिया? अपने बाग में खिलने वाले फूल की खबर माली को न होगी तो और किसको होगी। हेलो, डॉक्टर ने टॉनिक दिया है और कहा है खूब फल खाया करो। क्या जरूरत थी इन सब की? क्यों जरूरत क्यों नहीं है? माँ तंदुरुस्त तो बच्चा तंदुरुस्त। ये देखो हम तुम्हारे लिए कितने फल लाए हैं। क्यों झूठ बोलते हो, माँ के लिए तो लाए हो, माँ तंदुरुस्त तब बच्चा तंदुरुस्त। अरे भैया हुआ, भैया मैं अभी तक पता नहीं फोन करती हूँ दादी। हेलो, हाँ कौन? रेखा। हाँ क्या हुआ? क्या हुआ? तेरे भाई हुआ? लड़का हुआ, लड़का, अरे लड़का हुआ, लड़का हुआ। आइए साहब, कोई बात नहीं, जल्दी से एक बच्चे को दूध पिलाने वाली बोतल, दो स्पेयर नीपल्स, एक दूध का डब्बा, एक काफी की गिलिया, एक छोटा सा टोपी, एक छोटा सा स्वेटर। रेखा क्यों रो रही है? क्यों रो रही है रेखा? तुम बोलती क्यों नहीं, क्या हुआ रेखा को? तुम भी रो रही हो, क्या हुआ, क्या बात है चाची, बोलो ना, कैसे कहूँ बेटी, कैसे कहूँ? चाची तुम मेरी सौगन है, कुछ तो बोलो चाची, कुछ तो बोलो। तुम्हारे भाग फूट गए, रेखा के पिताजी। Oh, my God.
ये खामोशी वो खतरनाक तो वैसे नहीं तो कलेजा फट जाएगा, इसको रुलाना चाहिए। अरे भाई कुछ रुलाओ इसे। शांति शांति शांति। अब डॉक्टर को बुलाने से क्या फायदा, ये बेचारी तो चल बसी। तुम्हारा कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। ये कैसी आंधी चली, ये कैसा तूफान, खिलते ही मुरझा गए माता पिता के प्राण। भगवान की देखो भूल, बिछड़ गया जाली से एक फूल, रहा अब किससे नाता। आसमान अब पिता है इसका और धरती है माता। भगवान की देखो ये किस्मत की बात है, काली रात और कांटों से घिरा है गुलाब। समाज के अत्याचारों का जब चक्र चलेगा, डर लगता है तूफानों में कैसे दिया जलेगा, कैसे दिया जलेगा। दिया जिस मालिक ने प्राण, उसी की होगी अब पहचान, जो पालक सबका कहता। पिता है इसका और धरती है माता। भगवान की देखो भूल, बिछड़ गया डाली से एक फूल, रहा अब किससे नाता। आसमान अब पिता है इसका और धरती है माता। भगवान की देखो भूल। रेखा बेटी, मामा जी, अच्छे बच्चे मुसीबत से कभी नहीं घबरा। मामा जी कहते हैं अब आ गए बाबा। बेटा, अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा कहना तो दुनिया की पुरानी आदत है। अब हमारे कोई भी नहीं आता मामा जी। नहीं आता तो ना है बेटा, हम जो आ गए हैं, तेरे मामा जो आ गए हैं। कहा मुन्ना कहा है?
आखिरी निशान है, अंधेरे में डूबे हुए फूल का दीपक है। दीपक, दीपक बहुत अच्छा नाम है मामा जी। अच्छा बेटी, तो दीपक ही नाम रख देते हैं इसका। लो दीपक, लो लो। झूला झूला। कौन आया? तेरा छोटा सा भैया, दीपू नाम है इसका। कितना छोटा है। कहाँ है तुम्हारी माँ? माँ तो मना रही है। माता? हाँ। कैसा माता? बिल्ली मर गई ना। नमस्ते मामी जी। अंतु की माँ, तुम्हारी बिल्ली कैसे मर गई? तुम्हारे इस मनुष्य भांजे के पैर जो इस घर में आए हैं, इसके पाँव तो बहुत अच्छे हैं। देखो कितने प्यारे प्यारे हैं। तभी तो पैदा होते ही माँ बाप को खा गया। बलवान है अंतु की माँ। ना ना, ऐसी बातें तो नादान करते। हाँ हाँ, मैं नादान हूँ, ना समझूं। तुम ही तो एक समझदार हो, तभी तो इस यमदूत को बिना मुझसे पूछे घर में ले आए हो। जबान संभाल कर बात करो अंतु की माँ, बच्चे घर आए। बच्चे घर आए हैं तो हमें घर से बाहर निकाल दो। जब तुम्हारी बहन की शादी हुई थी तो ये मकान गिरवी रखा था, जो आज तक तुम नहीं छुड़ा सके, और अब इस शहर की पुड़िया को इस घर में ले आए। कैसी बातें कर रही हो? अब हमारे सिवा इनका कौन है? इस तरह पेश आओगी तो बच्चे कैसे जिएंगे? हमें खाकर और कैसे? अभी तो पैर पड़े नहीं कि मेरे प्यारी बिल्ली मर गई। अब न जाने इस घर में कौन कौन मरेगा। अमर फल खाकर कोई नहीं आया इस दुनिया में अंतु की माँ। खामखा बकवास किए जा रही हो, बिल्ली मर गई, बिल्ली मर गई। पिताजी, बिल्ली ने तो छिपकली खा ली थी सवेरे। सुना तुमने? तुम्हारी प्यारी प्यारी बिल्ली ने छिपकली खा ली थी, इसलिए मर गई। माँ की तो सामने ही खाई थी, थोड़ी देर म्याऊं म्याऊं करके टिया हो गई। तू चुप रह। चुप आप रहिए, बच्चे घर में आए थे, कलेजे से लगाइए उन्हें, कुछ खिलाइए पिलाइए। इतना प्यारा बच्चा अंतुल, खबरदार में मछली को हाथ लगाया, समझा? मामा जी, मामी जी भी भैया को मनहूस समझती है। देख बेटे, उस मनहूस को कभी गोद मत लेना। अच्छा क्यों? अपने भैया गोद में क्यों ना लूं? मैं कहती हूँ वो तेरा भाई भाई नहीं, वो तो राक्षस है। फिर पिताजी ने गोद में क्यों ले रखा है? ज्यादा बकवास नहीं करती, माँ का कहना माना करते हैं। अच्छा माँ, एक चवन्नी दे दो। मगर सुबह तो दिए थे तुझे चार आने। सुबह दिए थे स्कूल जाने के, अब दो दीपू को हाथ न लगाने के। बहुत शरारती हो गया है तू। मगर मेरे पास तो बंधा नोट है, मतला दूंगा। अरे आओ आओ, किस्मत लेके आओ, क्या बात है। लग गया, वाह वाह वाह, लग गया मेरा भी चार। लग गया, घर जाना खुश खुश। हेलो, मेरा एक रुपया लग गया इससे। लग गया बेगम पे, लग गया, क्या बात है, किस्मत वाला है, क्या बात। आओ जादू, ए देखो बेगम निकली। अरे बाप रे, नहीं निकली, अभी निकलेगी। और बेगम नंबर दो, नहीं आज डब्बे में गया मैं। बेगम बताओ, बेगम बताओ, देखो माँ, कितना प्यारा किला है। इसकी माँ मोटर नीचे दबकर मर गई। अरे इसकी माँ मर गई? अरे रे, कितना प्यारा बच्चा है, बेचारा भूखा होगा, ले खा। नहीं खाएगा? ए रेखा। जी मम्मी जी। ला ये दूध की बोतल। लेकिन लेकिन ये भैया के लिए है मम्मी जी, वो भूखा है। मेरा पिल्ला भी तो भूखा है, ला दे।
का पिल्ला कहाँ से पकड़ लाई हो? अंतर ले आया है, बेचारे की माँ मर गई है। दीपक के माँ बाप दोनों मर चुके, काश उस पर भी इतना ही तरस खा सकते। क्या करेगा भैया? तू कह और घर में तू नहीं, क्या कर रही? तो बार बार मुझे आता मिला, क्यों नहीं घर में तू? कहाँ गया इसका तू? अंतु की माँ? अंतु की माँ बड़ी बेजहम, दीपू दूध के लिए बिल मिला रहा है, उसके मुंह का दूध कुत्ते को पिला रही है और वो मासूम बालक का क्या हाल कर रहा है? नमस्ते दयाल जी। जैसा नाम वैसा काम, कुत्ते को दूध पिला रहे हो, अपने यहाँ तो बच्चे को दूध नहीं मिलता। आइए सेठिया जी, मैं आपकी तरफ आया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेने कर्जदार आता है और वसूल करने साहूकार आता है। 15 दिन बाद कागज की मैयाद पूरी हो जाएगी, मैं लिया कर दूंगा कागज सेठ जी। नहीं नहीं बाबा ना, अपना मिजान नहीं बैठता। 15 दिन में रुपए पहुंचा दो, नहीं तो मकान का कब्जा दे दो। कान कैसे दे सकता हूँ सेठ जी? सुनो, कान खोल कर सुनो, 15 दिन में रुपए पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो कुर्की आ जाएगी कुर्की। चलो मैडम जी, 15 दिन की तो बात है, देख लेंगे। हाँ हाँ देख लेंगे। देख लिया तुमने, उस कंबख्त के पैर घर में पड़ते ही अपने पैर घर से बाहर निकलने की नौबत आ गई। मैं कहती हूँ 15 दिन में कहाँ से दोगे 15,000 रुपए? मेरा कहा मानो तो अब भी उस सत्यानाशी को किसी अनाथ आश्रम में छोड़ाओ। मेरे मरने के बाद ही जाएगा वो यहाँ से। सुन लिया तुमने? भगवान, सभी मेरे भैया को मनहूस समझते हैं, नफरत करते हैं, तुम्हें बताओ कैसे देगा? इतनी बड़ी दुनिया में अगर हम ना होते तो क्या फर्क पड़ जाता? या फिर सारी दुनिया को बता दो कि मेरा भाई मनहूस नहीं है, कमबख्त नहीं है, बल्कि भोला बालक है, तुम्हारा ही रूप है भगवान। बता दो सबको, बता दो। मकान भूकंप से नीचे गिरा, भूकंप सारे शहर के लिए आया है और मकान पे वो हमारा गिरा। शहर में और कितने मकान गिरे तुझे पता है? ये पुराना था इसलिए ढह गया। तुम तो यही कहोगे, ये क्यों नहीं कहते कि कलेजा घर में आया था? अब तो कलेजा ठंडा हो गया हमेशा। भगवान तेरी सीधा तिहारी से मेरा दीपू, मेरा बच्चा। देखा देखा मेरे भांजी के पैरों का बच्चा। अब बोल, ये मनहूस है भाग्यवान? ये भी अपने पापोड़ी लेकर आया है, मगर इसकी बदौलत है। और घर भी नया बना।
मुझे भी वसूल करना आता है। कैसे करोगे वसूल? लो अब ये बता दूं तो हो गई छुट्टी। मेरी सलाह मानो तो ये लगाई बुझाई छोड़कर नेक धंधे पर लग जाओ। कुंडली बनाओ, भजन कीर्तन करो। हे भगवान, मैं तो सदा यही पछता रहता हूँ कि मेरी तारा बहन के इगन विघन दूर करो, दुख दर्द से छुटकारा दिलाओ, इनका मकान जल्दी से तैयार कर दो, उनका घर तैयार कर दो, उनका कल्याण करो। कल्याण कल्याण, उधर ध्यान, जरा उधर ध्यान, भगवान मेरी तारा बहन का कल्याण करो। तारा बहन जानती, तुम जरा इधर सरक जा। कैसे हो भैया? तारा बहन बड़ी उम्र है तुम्हारी, तुम्हारी बातचीत चल रही थी, अभी मकान बन गया। हाँ, मकान का नाम रख रही है। कह रहे थे कि उनके भांजे के आने से नया मकान बना है, इसलिए मकान का नाम दीपक निवास रखा है। दीपक निवास, सवा सत्यानाश हो गया मेरे भांजी बंधु को वनवास। मैं कहता हूँ तारा बहन, ये दीपू को मकान में बराबर का हिस्सेदार बनाने की चाह है। दयाल जी तो अंतु के लिए एकदम कैकई का अवतार ककैया बन गए हैं। नंद रानी, तुम अभी से अपने बेटे के हक की फिक्र करो। तारा बहन, तुम कहीं दशरथ मत बन जाना। मैं कहता हूँ अंतु का भला चाहती हो तो अभी से मकान उसके नाम पे लिखवा लो, लिखवा लो। ठीक है भैया, ऐसा ही करूँगी। तुमने ठीक वक्त पर मेरी आंखें खोली। अरे अरे, मैं आंखें ना खोलता तो हो गई थी छुट्टी। तारा, ये तूने क्या किया? आज पत्थर के नहीं, तूने मेरे दिल के टुकड़े। अगर तुम्हारे सीने में दिल होता तो उस मनहूस दीपक के नाम के पत्थर के बजाय अपने जिगर के टुकड़े अंतु के नाम का पत्थर लगवाते। बहुत कर ली तुमने अपनी मनमानी, अब मैं अपने कुल के माथे पे कलंक नहीं लगने दूंगी। ये तुम कह क्या रही हो? दीपक कुल का कलंक है? अरे उसी के प्रताप से ये नया मकान बना है, उसी के प्रताप से हम अपने गर्द से मुक्त हुए हैं। ये सब तुम्हारा वहम है। मेरे मकान का नाम दीपक निवास नहीं, अनंत निवास होगा। जब तक अंतु के नाम का पत्थर नहीं लगेगा, जब तक दस्तावेज अंतु के नाम नहीं होंगे, मैं अंत जल ग्रहण नहीं करूंगी। मामा जी, हमारे यहाँ आने से आपके सुखी परिवार में कलेश पड़ गया है। हमने आपका सुख चैन लूट लिया है। हमें चले जाने दीजिए मामा जी। नहीं बेटा, दीपक और तुम मेरी प्यारी बहन की निशानी हो, तो दोनों सदा मेरी आंखों के सामने रहोगे। मामी जी भूखी रहे, ये कैसे हो सकता है? मामा जी, हम तो कहीं से भी मांग कर रूखे सूखे खा लेंगे, और अगर हम भूख से मर भी गए तो कौन है रोने वाला? चुप हो जा रेखा, चुप हो जा। अपने मामा को छोड़ के जाना चाहती है, मुझसे कोई भूल हुई है, मेरे प्यार में कोई कसर रह गई है। नहीं मामा जी, आप तो हमारे लिए वो कर रहे हैं जो किसी के सगे माँ बाप भी नहीं कर सकते। लेकिन हमसे आपका दुख नहीं देखा जाता मामा जी। हमें जाने दीजिए, हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, भीख नहीं मांगेंगे, चोरी नहीं करेंगे। हमें मत रोकिए मामा जी, हमें जाने दीजिए। जब तक मेरी सांस में सांस है तो यहाँ से नहीं जा सकते, और अगर जाना ही है तो पहले अपने हाथों से मेरा गला घोट दे, मेरी लाश से गुजर जा। नहीं मामा जी, नहीं। बेटा, सौगंध का कि फिर कभी यहाँ से जाने का नाम नहीं लूंगी। हाँ सौगंध बेटा, आपकी सौगंध खाती हूँ मामा जी, अब मैं कभी जाने का नाम नहीं लूंगी। बेटा, तो फिर ये आंसू पोंछ दो, पोंछ दो। माँ, लो माँ ये लड्डू पेड़े खा लो। अरे अंतु, तुझे किसी ने देखा तो नहीं? नहीं नहीं माँ, तुम जल्दी से खा लो, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। अरे जल्दी लो ना। अरे अंटू, दूध का ग्लास भी ले आना। लो भगवान, तुम्हारी जिद पे अपने जीते जी अपना मकान अंतु के नाम कर दिया। अब तो कुछ हो बहुत खुश, मुंह मीठा करो। ए रेखा, हाँ भाई, हाँ दीपू को राखी बांधे जी। हाँ भाई, पहले आरती उतारो दीपू की। छावा 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 जुग जुग जियो दीपू। अब टीका लगाओ, टीका लगाओ, टीका लगाओ जी। अल्लू लोते
नहीं, अभी अभी दीदी मुँह मीठा करेगी। अब दीपू भैया को राखी बांधो जी, राखी बांधो। मेरे प्यारे भैया। दीपू बेटा लो दीदी को 7 रुपए दे दो। लो दीदी, मामा जी जी 7 वर्ष का हूँ ना, इसलिए मैंने दीदी को 7 रुपए दिए। और अंतु भैया 20 वर्ष के हैं, इसलिए वो दीदी को 20 रुपए देंगे। रेखा जाओ बेटा, अंतु को राखी बांध जाओ, जाओ जाओ। ए माँ 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 माँ, मुझे 20 रुपए दे, आज राखी बांधेगी ना रेखा, उसको देने हैं। 20 रुपए? हाँ। 2 रुपए बहुत है। अरे नहीं माँ, दूंगा तो 20 ही रुपए दूंगा, नहीं तो एक कौड़ी भी नहीं दूंगा। वो अनोखी लाल मामा से डबल वसूल कर लेना ना तू। ओहो तू नहीं मानेगा। नए नोट है ना? हाँ हाँ, ले 10, ये 20 और सुन, मैं तेरे मामा के यहाँ राखी बांधने जा रही हूँ। जा 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 जा। अंकल भैया राखी बंधा लो। अरे हाँ हाँ, बांध बांध राखी, बांध या रस्सी बांध, लेकिन जरा जल्दी बांध। क्यों भैया? बहन मेरे पास तो सिर्फ 2 ही रुपए हैं बहन, ये देख। तुम दो भी मत लो भैया। अरे वाह वाह, बहन हो तो ऐसी हो। वाह 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 वाह, बड़ी अच्छी राखी है। अरे ये 7 रुपए दीपू ने दिए हैं क्या? ए बहन, मैं ये 7 रुपए उधार ले लूं, फिर दे दूंगा। ले लो भैया। अरे वाह बहन हो तो ऐसी। अरे बेटा राजू, आज छुट्टी के दिन भी किताबें हैं, क्या बात है? हाँ पिताजी, मैंने फैसला कर लिया कि मैं एमए करूंगा। ओए होए 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 होए, बेटा कुछ मालूम है? तेरी पढ़ाई पर मैंने पूरे 4,000 रुपए खर्च कर दिए। देख तुझे पहले मैंने मिडल पास करवाया, फिर करवाया एफए, फिर करवाया बी, और अब तू कहता मैं एमए पास करूंगा। अरे जानता है मेरे पिताजी ने मेरी पढ़ाई पर पूरे 4 रुपए खर्च किए थे? वो चोटी वाले बाबा आए ना शुरू में, उनका एक नारियल फोड़ा था, और फिर 4 आने महीने पे मुझे वहां भर्ती करा दिया। लेकिन मैं भी तो 4-4 ट्यूशन करके अपनी फीस का खर्चा निकालता रहा, दोस्तों से किताबें मांग मांग कर पढ़ता रहा, आपका एक पैसा खर्च नहीं होने दिया, हर साल फर्स्ट आता हूं, फिर भी आप कहते हैं कि मुझ पर आपका 4,000 रुपए खर्च हो चुका है। मुझे काम पर लगने दीजिए, मैं आपका सारा खर्चा 1 साल में पूरा कर दूंगा। अच्छा पिताजी मैं चलता हूँ। हो गई छुट्टी, जाने वो कैसे बाप है जिनको बेटों का माल मिला। अरे तू क्या खा रहा बे? इधर आ। मैं जरा घर से बाहर गया कि तुम्हारी माँ घर लुटाना शुरू कर देती है। मैं कहता हूँ ये सब कुछ खरीदने की भला क्या जरूरत थी? ये माँ ने खरीदे, ये मामा जी लाएगा। मामा जी कौन? धर्मराज? हाँ वो धर्मराज नागपुर। और देखी ये चोर चक्का पाकर मार, ये गांव से आ टपका। ओम नमः जीजाजी, ओम नमः जीजाजी, ओम नमः जीजाजी। अरे ये सावन तो मेरा है, तेल भी मेरा है, अंगोछा भी, ये भी आप ही का है, और मैं भी आप ही का हूँ जीजाजी। बस भाई बस करो, बड़ा लंबा बहुत बड़ा पालागन हो गया, साष्टांग हो गया, उठो ना अब उठो। जीजा जी आप बड़े हैं ना, इसलिए पालागन भी लंबा होना चाहिए। भैया भैया चलो नाश्ता कर लो, फिर आकर बैठ के बातचीत करो। मैं तुम नहीं, मैं जाता हूँ। जीजा जी आपके चरणों में बैठकर बड़ा आनंद आता है। हो गई छुट्टी, प्रथम ग्रह से मक्षिका, आते ही रंग जमाना शुरू कर दिया, 25 रुपए लेकर चंपत हो गया साला चोर कहीं का। भैया ये सब चीज तुम्हारे पसंद की है? धर्मराज जी पेट पूजा तो होती रहेगी, आज राखी का दिन है, बहन से राखी बंधवा लो। ये कैसा उल्टा न्याय, मैं ऐसे रसम को मानता ही नहीं। नाम धर्मराज और बातें बिल्कुल अधर्म जैसी करती हो, तुम्हारे बहन तो मानती है रस्मों को। नहीं मगर इस वक्त मेरी जेब खाली है, मैं गाँव से निकला ना तो बहन के लिए 5,000 रुपए लेके निकला ना, मगर रेल के डब्बे में किसी जेब कटे ने मेरी जेब काट ली, इस वक्त मेरी जेब खाली है, आप 100 रुपए दे दीजिए ना। आज जरा देखो तो सही, कटोलो शायद कुछ निकल आए। नहीं मेरे को मालूम है जेब फटी हुई है। फटी हुई? कहाँ से फटी हुई? अरे देखो देखो, नहीं 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 नहीं
तकलीफ पाएगी कि 5,000 रुपए ले जाने वाला कोई अनहारी रहा होगा, पूरे 10, 20, 25 रुपए छोड़ गया है। लो अपने हाथ से दे दो अपनी बहन को, ले लो बहन। लाओ जी ये लो राखी, राखी बांधो अपने भाई को, ये मुझे दे। नहीं नहीं तुमसे खो जाएंगे, गिर जाएंगे, कहीं और मुसीबत हो जाएगी, राखी बांधो। शाबाश शाबाश। एक मटका लो। हाँ एक मटका लो, मर्जी आ जाओ। निकालो बांध, बोले था ना पंजे छापा ने दिया है। अरे यार तुमने तो हमारा पार्टी गोल कर दिया। ये लो 1500 रुपए, ये 1000, 500 हो गए ना। हाँ असली है ना। हाँ बाबा असली है, ये लो 500। आप लाइन नहीं करो, आप तो ये लेके जाओ डांसर। अरे वाह डांसर, आपका लगेज में बेटे तेरा तो टेबल भी ले जाऊंगा मैं। ये क्या बदतमीज़ है? अजी वाह, मैं बदतमीज़ हूँ, आप टकराई हो ना बदतमीज़। मैं पूछती हूँ कुछ कम दिखाई देता है क्या? अजी कम क्या, अब तो बिल्कुल ही फ्लैट हो गया हूँ। दरअसल हम दोनों अंधे। क्या मतलब? मतलब ये कि आपको इस महाशय ने अंधा कर दिया है और मुझे हुस्न की देवी ने अंधा कर दिया है। कहीं चोट तो नहीं आई? यहाँ मेरे पाँव में मोच आई और तुम्हें दिल लगी सूजी। अजी ये पाँव की मोच है ना, ये तो दो चार झटके दिए ना तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, लेकिन 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 इस दिल में जो मोच आई है उसका क्या होगा? या अल्लाह, तुम तो टकराते ही गले पड़ गए। परवाना पैदा ही इसीलिए होता है कि शमा से टकराए। शमा? हाँ कमाल है, तुम मेरा नाम भी जानते हो। अजी हसीनों के चेहरे के ऊपर उनका नाम लिखा रहता है, फटाफट फटाफट आदमी पढ़ सकता है, और फिर आपके हुस्न की जाननी ने तो। मेरा दूसरा नाम भी जानते हो? दूसरा नाम यानी कि डबलिंग, क्या मतलब? हाँ कुछ लोग मुझे चांदनी नाम से पुकारते हैं। उल्लू के पट्टे हैं वो लोग जो चांद को चांदनी कहते हैं। श्रीमान जी। हाँ जी। मेरा एक काम करोगे? हाँ जी। मुझे घर तक छोड़ दोगे? जरूर जी जरूर छोड़ दूंगा, लेकिन देखिए कहीं ऐसा ना हो कि घर ले जाकर आप मुझे जूतों के सैंडल दिखाने शुरू कर दें। ये है मेरा गरीब खाना। अरे वाह, अगर ये गरीब खाना है तो अमीर खाना क्या होगा? वाह 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 वाह। अरे तबला, हारमोनियम, वाह वाह वाह, मकान तो म्यूजिकल मालूम होता है। सा रे गा मा पा सा। हाँ मैं गाने का काम करती हूँ। क्या खूब करती हो, तुम्हें गाने का शौक है और मुझे बजाने का। खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। आप ठंडा पियेंगे या गर्म? अजी ये तो पिलाने वाले पर है, ठंडा कर दे या गर्म। काफी जिंदा दिल है आप जनाब, ने अब तक अपना नाम नहीं बताया। माँ बाप ने तो अनंतराम सेठ नाम रखा है, लेकिन अगर आप चाहें तो प्यार से अंतु पुकार सकती हैं बगैर किसी रुकावट के। तो हो जाए इसी बात पर थोड़ी थोड़ी चाय। हाँ बगैर किसी रुकावट की। ख्याल तो ठीक है, हाँ बगैर किसी रुकावट के। इस सोने की चिड़िया के पर कतर दो ताकि उड़ने ना पाए बगैर किसी रुकावट के। लीजिए बगैर किसी रुकावट के। तो ये लीजिए बगैर किसी रुकावट के। इसकी क्या जरूरत थी? अरे छोड़ो इन बातों को, ये तो मामूली बात है। अच्छा ये बताओ कि तुम इस मकान में अकेली रहती हो क्या बगैर किसी रुकावट के? जी नहीं, मेरा एक भाई भी है। भाई है, वो किस साइज का है? मेरा मतलब है कि वो कितना लंबा चौड़ा है बगैर किसी रुकावट के? यही 10-11 बरस का, स्कूल में पढ़ता है। बगैर किसी रुकावट के। मेरा नाम है महमूद, रहता हर जगह मौजूद, पीता रहता हूँ बीड़ी, खाता रहता हूँ अमरूद। मेरा नाम है महमूद, रहता हर जगह मौजूद, पीता रहता हूँ बीड़ी, खाता रहता हूँ अमरूद। मेरा नाम है महमूद।
हूँ बीड़ी खाता रहता हूँ अमरूद, मेरा नाम है महमूद। मुझे लफंगा कहता कोई कहे मवाली, लेकिन मैं तो गाता रहता भजन और कव्वाली। पीठ पिला दे गधे का बोझा कौन स्कूल को जाए, हम तो माँ के पेट से सारी विद्या सीख के आए, हो सारी विद्या सीख के आए। मेरा नाम है महमूद, रहता हर जगह मौजूद, पीता रहता हूँ बीड़ी खाता रहता हूँ अमरूद, मेरा नाम है महमूद। जितने जहान में उल्लू के पट्टे हो गए, सारे के सारे वो यहाँ इकट्ठे हो गए। आपकी क्या शादी है यहाँ पे कोई मेरे बाप की, अरे मेरे बाप की। मेरा नाम है महमूद, रहता हर जगह मौजूद, पीता रहता हूँ बीड़ी खाता रहता हूँ अमरूद। मेरा नाम है महमूद, रहता हर जगह मौजूद, पीता रहता हूँ बीड़ी खाता रहता हूँ अमरूद, मेरा नाम है महमूद। हेडमास्टर साहब ने तुम्हारा नाम रजिस्टर से काट दिया है। वेरी गुड, यू कैन गेट आउट नाउ। यू कैन गेट आउट नाउ। मास्टर जी, लिखेंगे पढ़ेंगे तो होंगे खराब, खेलेंगे कूदेंगे बनेंगे नवाब। मैं जा रहा हूँ मास्टर जी। अच्छा मेरे दोस्तों, तुमको मेरा सागरी सलाम। दीपक, हेडमास्टर साहब ने तुम्हारे करेक्टर पर खुश होकर तुम्हारे लिए 10 रुपए का इनाम भेजा है। मोती, देख तो मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। अब तुझे बिल्कुल सर्दी नहीं लगेगी, बिल्कुल ठंडी नहीं लगेगी। ले, मेरा थैला रख। ले बेटे। मम्मी जी, सब्जी भी देखते थे। कितना खाएगा, मन भर खाएगा क्या? ले ले। बस कर माँ। अच्छा तो फिर खीर खा ले। खीर। अरे ये दीदे फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है, नजर लगाएगा मेरे बेटे को। चलो उठ यहां से। रोटी जल्द। अरे ओ कंपा, ये रोटी फिर जला दी, सारा आटा कर दे खराब, और ये जली हुई रोटी तू ही खाना, समझी? दीपू, ओ दीपू, दीपू, क्या दीदी? उठ उठ उठ, खाना खा ले। दीदी, मैंने क्या खाना खा लिया? मुझसे छुपाता है, मैं जानती हूँ तू भूखा है। आधी रात हो गई है, भूख के मारे तुझे नींद नहीं आएगी। दीपू, दीदी तू यहाँ कितना ख्याल करती है। दीदी तुम जल्दी जाओ, ये तो मम्मी आ जाएगी। तू जल्दी खा ले, जल्दी खा ले, शाबाश।
नमस्ते मौसा जी। अरे 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 मन हो सुबह सुबह फिर सामने आ गया, चल हाथ पानी आप से। मेरे गेंद तो दीजिए मौसा। गेंद के बच्चे अरे दीपू, अरे ये क्या तू जीवन से जान दिया मुझे? अरे ये दीपू, आपकी वो आपका मनुष्य भांजा है ना दीपू, देखिए आपने दीपू को डांटा होगा और उसके मोती ने आपको काटा। हाँ जी हाँ, मेरी गलती है, मेरा ही दोष है, सारा कसूर मेरा है, मोती को भी मैंने काटा है। मैं दीपू ने मेरे कपड़े फाड़े, अब आप कपड़े उतरवा लीजिए। अनोखिलाल जी, मैं दीपू को डांट दूंगा, सब ठीक हो जाएगा आगे के लिए। आपकी डांट डपट से फटी हुई धोती आ जाएगी मेरे भैया की। अच्छा भगवान, अंदर से मेरे कपड़ों में से एक नई धोती ला के दे दीजिए अपने भाई। एक ना एक मुसीबत लाता ही रहता है कम्बल। कौन मैं? नहीं वो राक्षस। बैठो भैया, मैं अभी धोती लेकर आ। मोती, ये तूने अच्छा नहीं किया, मौसा जी ने मारा तो क्या हुआ? खमा खम की धोती फाड़ डाली, अब घर में जाकर एक के बदले चार चार लगाएंगे। दीपू, तूने मौसा जी की धोती फाड़ दी? मैंने नहीं फाड़ी दीदी, मोती उनके पीछे लग गया। क्यों बोल छोड़ा दीदी? मैंने नहीं बोला दीदी। क्यों बोलता है? मैंने क्यों मार रही हूँ? क्या हुआ दीपू? मैंने मौसा जी को नमस्ते किया, उन्होंने मुझे मनुष्य कहकर झापड़ मार दी, बस मोती उनके पीछे लग गया, उनकी धोती फाड़ डाली। उसमें मेरा क्या कसूर? तुम्हारा कोई कसूर नहीं। रेखा, तुम तो जानती हो मेरे पिताजी हैं ही पुराणपंथी, उनकी बातों में आकर तुमने इस निर्दोष पर हाथ उठाया, कम से कम तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या आप ये समझते हैं कि इसे मारकर मुझे खुशी होगी? दीपू के सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? लेकिन इस बेचारे को तो लोग जन्म से ही मनहूस कमबख्त कहते हैं। अब आप ही बताइए, मैं अकेले सारी दुनिया को कैसे समझाऊं? अरे दुनिया का क्या है, दुनिया ने तो अकल पर ताले लगा रखे हैं, भेड़ चाल है भेड़ चाल, सब लकीर के फकीर, छोड़ो ऐसी दुनिया को। ये लो दीपू। नहीं नहीं, हाँ गिलास गिलास देखो तो। आह अरे वाह, आई हुआ सवेरा और बैठ गई आईने के सामने। अरे क्यों मेरा दीवारा पीटने का विचार है तेरा? और ये क्या, ये कुतुब मीनार जो लगा रखा है आज? इतना सुंदर बाल बना है, देखो मैं कैसी लगती हूँ। छछूंदर के सर पे चमेली का तेल, शहर में आते ही तेरे भी पंख फूट गए हैं। पहले ये बताओ मैं कैसी लगती हूँ? बूढ़ी गोरी लाल लगाम। छोड़ दे, खोल दे, हटा दे, हटा दे से चुंडे को। नहीं खोलूंगी, क्यों खोलूंगी, ये कोई नया फैशन थोड़ी ही है, ये हमारी पुरानी सभ्यता है। पहले जमाने में सतियाँ, योगिनियाँ और तपस्विनियाँ सब ऐसे ही ऊंचे ऊंचे बाल बने। तू कोई योगिनी नहीं, हा? कोई सौ तो अभी सती भी नहीं बनी। मैं कह तो खोल दे, हटा। हो गई छुट्टी, तू जानती है
तेरी एक अंगी पट्टी, ये बाल बनाना मुझे कितने में पड़ता है, है? देख पाउडर लिपस्टिक सुर्खी तेल कंगी और सबसे ज्यादा ये है ना ये 60 बत्ती का जो बल्ब जल रहा है ये एक मिनट में 2 पैसे की टुकती है मुझे। एक घंटा तूने कंगी पट्टी करी कि 100 रुपए की हो गई छुट्टी। तुम्हारी तो बड़बड़ करने की आदत हो गई है, कल से मैं 100 पावर का बल्ब जलाऊंगी। तो मैं बिजली ही कटवा दूंगा। कटवाओ तो अच्छा, मैं खुद कर दूंगा। अगर आपने एक लफ्ज भी जबान से निकाला था तो क्या मुझे मारेगी? अभी करती हूँ हमारे माँ बाप जिंदा होते तो हमारी ये दशा ना होती। दीपू हे भगवान, तू बच्चों पर कैसे भी मुसीबत आए, कैसे भी दुख दे, मगर उनके सर पर से माँ बाप का सर कभी ना छीना। क्यों जी, कुंडली मिल रही है या नहीं? हाँ, कुंडली तो मिल रही है, मगर एक भात नहीं मिल रही। क्या नहीं मिल रही थी? क्या कहूँ दयाल जी, जरा कहते हुए मुझे आप दान दहेज की बात पक्की करना चाहते जी हैं? दहेज तो आप देंगे और मैं लूंगा भी। मैंने अपनी दान दक्षिणा की सारी कमाई से लड़के को अंग्रेजी तक तो पढ़ा दी है। ओफो, बात लपेट कर क्यों कह रहे हो? साफ साफ क्यों नहीं कहते कि मथुरा के चौबे जी 4000 दे रहे हैं? मैं 5000 दूंगा बहन जी। अजी 5 क्या, आप 6 भी देंगे, और मुझे विश्वास है कि अगर मामला अटक गया तो आप 7 देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। मगर बात अटक कह रही है? अटक नहीं रही, जरा खटक रही है। अंधे कंधे तक बोला जी, क्या मतलब? मतलब बिल्कुल साफ है, आप कहीं दान के साथ दक्षिणा की तरह अपने उस भगवान भांजे को मेरे यहां भेज दीजिएगा। जी आपने कैसे समझ लिया अनोखिलाल जी? वो बालक सड़क पे पड़ा हुआ पत्थर नहीं कि वहां से उठाकर यहाँ रख दूं, वो मेरे कलेजे का टुकड़ा है, मैंने उसे अपना बेटा समझकर सीने से लगाया। बात बात बात, तो फिर कोई अटक नहीं रही, कोई खटक नहीं रही, मामला हो गया सटक, हो गई छुट्टी। तो आपका आशीर्वाद है। कल्याण हो, कल्याण हो। क्या
बारात आ रही है, मुझे भी ये कपड़े पहना दीजिए। नए कपड़े पहना दीजिए, मेरे भैया ने तुझे शादी में आने के लिए मना करवा भेजा है, खबरदार जो मंडप पे आया तो। क्यों, मैं अपनी दीदी का बैंड नहीं देखूंगा, मैं जरूर देखूंगा। दीदी मुझे अपने साथ ले जाने वाली। अरे कम्बा, तेरी मनहूस छाया पड़ने से बद छुगनी हो जाएगी, विघ्न पड़ जाएगा ब्याह में। कोई विघ्न नहीं पड़ेगा मम्मी जी, कोई नहीं पड़ेगा। तू इस तरह नहीं मानेगा, चल तुझे कमरे में बंद किए देती हूँ, चल। मम्मी जी, आप मेरी खबर ना सुनो मम्मी। रेखा, तुझे किसने कहा था वेदी पर से उठ, शादी की रस्म तोड़ डाली और इस मनहूस सत्यानाशी को आज ही कोहराम मचाना था, हमारे घर की इज्जत पर कलंक का टीका लगा दिया, विघ्न डाल दिया शादी में। विघ्न इसने नहीं, आपने डाला है मामी जी, आपने, आपने इस मासूम बच्चे पर जुल्म ढाए, आपने इसे शरीक नहीं होने दिया शादी में, आपने नहीं पहनाए उसे नए कपड़े। बहन की शादी हो और भाई देख न सके, बहन की खुशियों से उसे दूर रखा जाए, ये कौन सा बदला लिया मामी जी, आप औरत नहीं पत्थर है। नहीं करा, मेरे सामने जवाब देना थी, ये सुनने के लिए मुझे इतना बड़ा पोखर पड़ा क्यों है? हाँ, आज उसके जीवन की खुशियों का सबसे बड़ा दिन है और उसी दिन तूने उसे हाथ उठाया, चली जाइया, दूर हो जा मेरी नजरों से। सुन लीजिए दयाल जी, अच्छी तरह सुन लीजिए, आपके सामने से हम जा रहे हैं, शादी की रस्म पूरी नहीं हुई और बारात बिना दुल्हन के बिना डोली के वापिस जा रही है। ऐसा मत सोचिए अनोखिलाल जी, सब रस्में अभी पूरी हो जाएंगी, देखिए ना मासूम बच्चे की जान के लाले पड़े हुए हैं। हाँ ठीक है ठीक है, आप अपने लाडले की तीमारदारी कीजिए, ये तो हम ही फालतू थे तो यहाँ तक चले आए। चल राजेश। पिताजी जरा इंसान है तो शराफत से काम लीजिए। अरे मामा जी, आपसे तो आपका लड़का ही अच्छा है, बड़े बेरहम और संगदिल है आप, लानत है आप। हाँ, मैं संगदिल, मैं बेरहम, सुन रहा है बेसाराम और लगवा मेरे सर पर जूते, मैं अब एक पल भी यहाँ नहीं ठहरने का। अनोखिलाल जी आप इस पागल की क्यों सुनते हो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। हो गई छुट्टी, बेटा गालियां निकाले बाप हाथ जोड़े, मैं यहाँ से डोली वापिस लेकर जाऊंगा, हजार लड़कियां हैं मेरे राजू के लिए, चल चल बेटा। नहीं पिताजी, ये आपका अन्याय है, जुल्म। खामोश, तू अगर मेरा खून है तो चल चल यहाँ से। अनोखिलाल जी
कुछ तो मेरी इज्जत का ख्याल कीजिए, लोग क्या कहेंगे? अभी लोग जो कुछ कहेंगे आपसे कहेंगे, मुझे इससे क्या? मैंने तो आपसे बार बार मना किया था कि अपने मनुष्य भांजे को मंडप में मत लाना, मत लाना, मत लाना। मैंने डाला तो मेरी दीदी ने तो कुछ नहीं किया। दीपू दीदी पे गुस्सा मत तो ये बोल जी, दीदी को डोली में पिटा कर ले जाइए, ले जाइए ना। तो ले जा दीपू, ले जा। अनोखेलाल जी, भगवान के लिए बात को मत पढ़ाइए, मेरी रेखा को राजी खुशी ब्याह के अपने घर ले जाइए। मैं आपकी मिन्नत करता हूँ, आपके चरणों में अपनी पगड़ी रखता हूँ। रेखा मेरे घर की इज्जत है, उसे ही उठाकर मारकर मत जाइए, मत जाइए। एक शर्त है कि आज के बाद आपका भांजा मेरे घर नहीं आए, और रेखा बहू आपके घर नहीं जाएगी। मुझे मंजूर है, शादी की रस्म पूरी कीजिए। चलो बेटा, चलो चलिए जा, चलिए सब लोग। जाओ दीदी, तुम जाओ। मनोज मेरा मम्मा, देखो मत देखो मेरा। भैया मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, नहीं करूंगी शादी, नहीं करूंगी। नहीं दीदी, तुम मुझे भूल जाओ, समझ लो कि तुम्हारा कोई भाई नहीं। जाओ दीदी, जाओ, तुम्हें मेरी कसम, जाओ। चलो बेटी, दीपू की चिंता न करो। नहीं मामा जी, जिस शादी से भाई बहन के बीच दीवार खड़ी हो जाए, नहीं करूंगी ऐसे शादी, नहीं करूंगी। नहीं बेटा, ऐसे बातें नहीं करते, बल्कि इज्जत का सवाल है, जीवन में करूंगी नहीं पड़ते। अपने गांव कौन अब धीर बंधाता, आसमान अब पिता है इसका और धरती है माता। भगवान की देखो भूल, बिछड़ गया डाली से एक फूल, रहा अब किससे नाता। आसमान अब पिता है और धरती है माता। रेखा, मुझे ऐसा लगता है तुम हमारी शादी से सुखी नहीं। ऐसी बात नहीं, मेरे प्राण दीपू में पड़े, उसकी याद एक पल को नहीं भूलती, न जाने वो कैसा होगा। कल चलो मेरे साथ, मिलाते हैं उसे।
मैं कैसे जा सकती हूँ? क्यों? मैं जो कह रहा हूँ, कल चलना। आपके पिताजी ने हम भाई बहन के बीच लक्ष्मण रेखा खींच दी है। जब पिताजी से खुद मिटाएंगे तभी मुझे दीपू से मिलने में सुख मिलेगा। रेखा, अगर पिताजी के भरोसे रही तो तुम सारी जिंदगी दीपू से नहीं बच सकती, समझी? तो ना सही, लेकिन उनकी आज्ञा को तोड़ूंगी नहीं। जिस शर्त को मेरे मामा जी ने मंजूर कर लिया उसे ठुकराऊंगी नहीं। आप ही चले जाइएगा और मेरे भैया से कहिएगा तुम्हारी दीदी तुम्हें बहुत याद करती है, मगर बेचारी मजबूर है, आ नहीं सकती, मिल नहीं सकती। तुम दुखी मत हो रेखा, मैं चले जाऊंगा। अब आधी रात हो गई है, चलो सो जा। चलो। नमस्ते मामा जी। कैसे हो दीपू भैया? राजू बेटा, तुम कैसे आ गए? क्यों, कोई एतराज है आपको? भाई एतराज मुझे नहीं, तुम्हारे पिताजी को है, बंदिश उन्होंने लगाई हुई है। बंदिश बहू के लिए हो सकती है, बेटे के लिए नहीं। कैसे हो दीपू भैया? दीदी कैसी? दीदी तुम्हारी बहुत अच्छी है, देखो तुम्हारे लिए एक मिठाई का डब्बा और एक स्वेटर। हाँ, कितनी अच्छी है रेखा दीदी, सर्दी अभी आई नहीं और स्वेटर बुन के भेज दिया। मामा जी, मेरी दीदी बहुत अच्छी। हाँ बेटे, तुम्हारी दीदी बहुत अच्छी है। और मैं कहना पाया कि पंजाबियों के मुकाबले च हिंदुस्तान में कोई कौम नहीं। ओ चुप करे फैक। और मैं कहना भी अगर इस पेड़ पास धंधा ना हो तो गड्डिया चलिए बंद हो जाए। ओ इस पेड़ पास वाला चुप करे फैक, बड़ बड़ लंबा लंबा पता बोलती। अरे अरे ओने की तेरी ले मत कर, अपने अपने हुए ले साहब को छाप ले आगे बनने ले बंडी ले बंडी ले फिरेंगे। मोटा मोटा आदमी हमारा बड़ा बड़ा है। अरे चुप करे फैक। नॉनसेंस, क्या बोलिए? इडियट। आपको कोई हिंदी की गाली भी याद है? हिंदी? व्हाट ए बोगस लैंग्वेज। मैम साहब, हिंदी हमारी लास्ट भाषा। शट अप। वाह वाह, हिंदुस्तानी जीत, हिंदुस्तानी और बोली अंग्रेजी। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। ओ मैम साहब, आप अपनी माँ से नफरत करके दूसरी की माँ को गले लगा रही हैं। सुन लीजिए, रूस, चीन, जापान बल्कि सारी दुनिया अपनी अपनी भाषा बोलती है। एक हिंदुस्तान ही ऐसा भागा देश है जहाँ के लोग राष्ट्रभाषा से नफरत करके अंग्रेजी को गले लगाते हैं। आज का ताजा खबर, आज का ताजा खबर, मजदूरों ने मिल मालिक का घेराव कर दिया। एम्पाला गाड़ी में 50 लाख का सोना बरामद हुआ। कस्टम आफिसर रिश्वत देते हुए पकड़ा गया। कस्टम आफिसर रिश्वत देते हुए पकड़ा गया। आज की ताजी खबर, घेराव, काला बाजार, वापस देश में सब क्या हो रहा है? सुन ले बापू ये पैगाम, मेरी चिट्ठी तेरे नाम। तुझको राम, सुन ले बात।
सच्ची से तड़प रहा है सेवाग्राम। चिट्ठी में सबसे पहले लिखता तुझको राम राम, लिखता तुझको राम। सुन ले बाप ये पैगाम, मेरी चिट्ठी तेरे नाम। राज की तेरी कल्पना पूरी हवा में बनती पत्नी। बच्चों ने पढ़ लिखना छोड़ा, तोड़ फोड़ में है मगरू। नेता हो गए दल बदलो, देश की पगड़ी रहे उठा। तेरे पूत बिगड़ गए बापू, दारू बंदी हुई हला। तेरे राज घाट पर फिर भी फूल चढ़ाते सुबह शाम। चिट्ठी में सबसे पहले लिखता तुझको राम राम, लिखता तुझको राम। सुने बाप ये पैगाम, मेरे चिट्ठी तेरे नाम। पिताजी। अरे बेटा, धर्मराज की धौंकनी बंद हो, फिर कहीं आग लगे। मैं कर दूं मामा जी की बंसी बंद। तू तू कैसे करेगा? अभी बताऊं। मजे से सो जा पिताजी। चापा चापा चापा। सिर फट गया, हो गई छुट्टी। अरे बेटा, इस बीमारी का इलाज केले अमरूद से नहीं होगा, इसे तो भगा इस कमरे से। अभी जाता हूँ। लड़का बड़ा होनहार है, बाप को सब संकट से छुटकारा दिला देगा। छींके मार के हवा निकल गई, इसकी जान तो नहीं निकली। और यहाँ सर पर इतना बड़ा गुमड़ा पड़ गया, किसी ने पूछा तक नहीं। गुमड़ा पड़ गया क्या? घर में पत्थर पड़ रहे थे। अरे पत्थर नहीं तो क्या, फूलों की बरखा होगी। मैं कहता हूँ तुम्हारा भैया सात सुरों का बैंड बजाकर खुर्र खुर्र करके मील मील पर लोगों की नींद का सत्यानाश करेगा तो क्या लोग पत्थर नहीं मारेंगे? इसके नथनों में मिर्चे नहीं घुसल रहे, छुट्टे नहीं कर रहे। पिताजी ने धनराज आकर काट दिया और मैं भी नहीं टूट का। सुन लिया तुमने? ये धनराज यहाँ से जाते क्यों नहीं? किसकी हिम्मत है जो उनको जाने को कहे? माँ का पता है ना? भैया तो मैं माँ के बाद सही में सुनूंगा। क्या किया जाए? करूंगा कोई तरकीब जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। क्या करोगे? मामा धर्मराज जी भागते हुए नजर आएंगे, सीधा नागपुर में जाकर दम लेंगे। भैया यहाँ से भगा ही दो। भगाना ही पड़ेगा यार। अरे ये तो बहुत ठंडा हो गया। अरे बाबा इससे भी ठंडा चाहिए। ये बच्चों की से शरारत कहीं महंगी ना पड़े। अगर धर्मराज जी का
सतनाम हो गया तो? अरे होने दो ना, तुम चलो। पापा इस्ता चलो। ये पानी किसने फेंका मुझ पर? अरे मानने वालों, अरे मानने वालों, सच्चा नाम है तुम्हारा। तुम बख्तर सर्दी के दिनों में मुझे पानी पी के बड़ी हड्डियां बजा दी। अरे जानकी, ओ जानकी, चिल्ला क्यों रहा हूँ? देखती नहीं हूँ मोहल्ले वालों ने मुझसे बदला लिया। अरे मैं कहता हूँ इस धर्मराज को निकाल यहाँ से, नहीं तो एक दिन मेरे पंख पकेरू यही उड़ जाएंगे। कैसे खुराटे ले रहा है और यहाँ जान निकली जा रही है। पर कसूर तुम्हारा है, तुम यहाँ पर क्यों सोए? जब तक मेरा भाई अपना घाटा पूरा नहीं करेगा तब तक यहाँ से नहीं जाएगा, समझ गए ना? हाँ बहन, मैं तो यहाँ काम धंधा करूंगा, हो गई छुट्टी, पैसे कमाऊंगा, हो गई छुट्टी, उसके बाद शादी करूंगा, हो गई छुट्टी, उसके बाद दो बच्चे होंगे, हो गई छुट्टी। पर टूट पड़ा और वो भी बिना मुझसे पूछे। बड़ी जोर से फूंक लगी थी मम्मी जी। बड़ी जोर से फूंक लगी थी मामी जी। अरे खाएगा नहीं तो मर नहीं जाएगा। अरे हाँ, और ये सुबह से बर्तन पड़े हैं वो कौन मांजेगा? तेरा बाप। चलो घर घर में कितने बच्चों पर यूं जुल्म ढाए जाते हैं। हद है गुलाब की पत्ती से पत्थर कटवाए जाते हैं, पत्थर कटवाए जाते हैं। भगवान का रूप ये बालक है जिस पर पर से नित चिंगारी। नारी बच्चे पर जुल्म करे वो नारी सचमुच हत्यारी, वो नारी सचमुच हत्यारी है। नन्नी सी ये जान के जिस पर लाखों है तूफान, छुपा है कहाँ विधाता। आसमान अब पिता है इसका और धरती है माता। भगवान की देखो भूल, बिछड़ गया डाली से एक फूल, रहा अब किससे नाता। आसमान अब पिता है इसका और धरती है माता। भगवान की देखो भूल। ए दीपू, आज इतवार की छुट्टी है ना तुझे? ले थोड़े से कपड़े और धो दे। अच्छा अच्छा मम्मी। अबे ओ दीपू, अंदर खूंटी में मेरी पैंट टंगी हुई है, उस पर जरा जमा कर कड़क स्त्री कर देना। क्या कड़क स्त्री? हाँ दीपू। ए दीपू आए मामी जी। क्या है मामी जी? अरे जरा पानी देना। ओहो, पानी देना भी नहीं आता कम्बख्त। ले रख दे, जा अपना काम कर। अरे बदबू कैसी आ रही है, क्या चल रहा है ये? अरे 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 मेरी नई पैंट 50 रुपए की चला दी उल्लू के पट्टे। भैया के बच्चे, मैं तेरे हाथ चला दूंगा, मैं तेरे हाथ चला दूंगा, मैं तेरे हाथ चला दूंगा। दीपू क्या हुआ बेटे?
अरे मेरी नई पैंट गिरा कर दी इसे। तू क्यों इस्त्री कर रहा था बेटे? तूने इसे इस्त्री करने को क्यों कहा था? अरे आपसे तो नहीं कहा था मैंने, आगे जवाब देते हैं। शर्म नहीं आने के बाद लगा था हुए, फिर मरेगा उसे, फिर उठाएगा। अरे अरे जवान बेटे पर हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आती? शर्म इस बेशर्म को नहीं आती जो बाप से जवान लड़ाता है, इस नन्हे से बच्चे से काम करवाता है। ओ, ओ, थोड़ा सा काम करवा लिया तो कौन सा आसमान ठीक पड़ा? ये बालक किसी के बाप का नौकर नहीं है। हाँ हाँ, तो हम इसके बाप के नौकर हैं। जब से पैदा हुआ है मुंह डल रहा है हमारी छाती पर कम्बा। कम्बख्त ये नहीं, ये है जिसे सर पे बिठाए रखा है। और सुन लो, एक न एक दिन ये इस घर का नाश करने वाला है। हाँ हाँ, तो निकाल दो इसे घर से, बस इसे रखो अपने पास। रखूंगा अपने पास। और सुन लो तुम दोनों, आज के बाद अगर किसी ने इस पे हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल बेटे। कितने जोर से मारा है मेरे बेटे। रहने तो माँ, मेरा नाम भी अंतु है। इस झगड़े का ऐसा अंत करूंगा कि सब याद करेंगे। बहू, कहाँ जा रही हो तुम? दीपू के पास। किस मुंह से? इतनी जल्दी वो शब्द भूल गई कि शादी के बाद ना तुम वहाँ जाओगी ना वो बदनसीब यहाँ आएगा। लेकिन आज तो राखी है, आज का दिन तो हर बहन अपने भाई के पास जाती है। नहीं नहीं, तुम नहीं जा सकती। मेरे भाई का दिल टूट जाए। तुम्हारे भाई का दिल टूट जाए या प्राण टूट जाए, मैंने कह दिया तुम नहीं जा सकती, नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, साल में एक दिन तो रहम कीजिए। रहा ये तुझको से भर नयन, पाप की दुनिया में तू ही पुण्य है मेरी बहन। बहन तू वरदान है और तू ही मेरी जान है। तेरे पावन प्रेम पर ये जिंदगी कुर्बान है। किंतु मैं कैसे लिखूं ये खेल किस्मत का बड़ा, एक दिन तुझको भी तो ससुराल को जाना पड़ा। जब गई तू जुल्म सबके चुपके चुपके सह गया, तेरी शादी हुआ मुबारक मैं अकेला रह गया। आज रक्षा पूर्णिमा है बज रही शहनाइयां, राखियों से भर गई है आज सबकी कलाइयां। तू न आई क्यों न आई, आती मुझको रुलाया। हर तरफ सूरज उगा है इस तरफ परछाइयां। आज लुटने को लुट गए हम, कहां जो पीने को पी गए। कौन कहता है कि मर गए हम, तेरे सहारे से जी गए हम। खत्म। भाईजान। कौन भाईजान? आया भाईजान। आओ बेटे, ला शराब। ले शराब। और ला। और ले। और दे। और ले ले। अरे वाह, शराब भी क्या चीज है, हालत से उतरते ही अच्छे अच्छे को शहर बढ़ा देती है। बड़े भैया, अभी तो आधा गल है, आधा बाकी पड़े है। अबे आधे के बच्चे, कहीं तूने तो पौवा बीच में नहीं मार दिया? बड़े भैया, मरद का बच्चा हूँ, मारूंगा तो सामने से मारूंगा। अबे क्या मारा मारी है भाई? बड़े भैया, पार्सल में क्या है? इसमें। इसमें? अरे अरे इसमें, अरे इसमें तो मैंने अपना कलेजा निकाल के रख दिया है। तुमको मालूम इसमें क्या है? क्या है? तुमको नहीं मालूम इसमें क्या है?
मैंने सारी मार्केट की जान निकाल कर इसमें डाल दी है। तो क्या मालूम है, इसमें चमकती हुई साड़ियाँ है और ये है देखो, इसके अंदर चमकते हुए हीरे जवाहरात के सैंडल है। सैंडल सैंपल। लेकिन इन सब तमाम चीजों की क्या जरूरत थी? मेरा असली जरूरत तो तुम हो। अरे वाह, गिलास का मेरा गिलास का। अरे ये तो मेरा कहाँ है? अबे तो मेरा गिलास कहाँ गया? ये है आपका गिलास। अरे लाओ यार, इसमें ला शराब दे। ले शराब ले। और लेना शराब। और लेना शराब। चल रे, मुझसे इस दुनिया में कोई प्यार नहीं करता, सब नफरत करते। क्या तुम मुझे अपना नहीं समझते? तुम्हें मेरे इन बाहों में जिंदगी नहीं मिलती, मेरे इन आँखों में सच्चा प्यार नहीं मिलता। अरे तुम्हारी आँखों की इन फुटबॉलों ने तो मेरी विकेट आउट कर दी है, मुझे बाउंड्री ही दिखाई नहीं देती। अरे बाप रे, अरे भाईजान, ओ बाबा, ये तुमने कौन से मेकर की पिला दी यार? सुनो भाई, अच्छा मैं बजाऊंगा। बजाऊंगा? हाँ भाई। क्या बजाओगे? अबे तबली बजाऊंगा और क्या बजाऊंगा। भाईजान तुमको तो चढ़ गई है, तुम क्या बजाओगे? उस्ताद जी। अरे कौन उस्ताद जी, उस्ताद जी की ऐसी की तैसी, उस्ताद जी बजाएंगे तो मैं क्या बजाऊंगा? ताली बजाएंगे, ताली। और वो भी मैं खाली बजाऊंगा। शराब ला ले, ला दे ले, और लेना और लेना। अरे वाह मेरी जान, तेरा जवाब। अरे खाने के वक्त तो छह छह रोटियां हजम कर जाता है, मगर मेरी टांगे दबाते वक्त मिर्गी क्यों पड़ जाती है तुझे? जरा जोर से दबा। अरे तेरा हाथ है या हथौड़ा, टांगे तोड़ देगा मेरी। अरे मेरा आंसू आया होगा, जा खोल। देखा मनुष्य की शक्ल सामने आई और मैं गिर गया, सारा नशा हिरन कर दिया है। भैया तुम क्या हो? और नहीं तो क्या, मैं दवा पी के आया हूँ। तू कौन होता है पूछने वाला? अबे चटनी के तू होता कौन है पूछने वाला? तुम्हारे मुझे कितनी गंदी बदबू आ रही है, तुम्हारे कपड़े कितने गंदे हैं। शी 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 मेरे कपड़े गंदे, उसमें से बदबू आ रही है और तू खुशबू का बादशाह है, मैं भिखारी हूँ। अबे इतना छोटा सा छोकरा होकर इतनी गंद भर की जबान रखता है, काट जाऊंगा। दीदी बोलो भैया, नहीं तो मामा चल जाएंगे। ना मामा मामा मामा, तेरा मामा तो पागल कुत्ता है, दिन भर भू 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 करता रहता है। तुमने मेरे मामा को कुत्ता कहा? कुत्ता तो तुम हो जो बात की इज्जत करना भी नहीं जानते। मैं कुत्ता हूँ तो मुझे इज्जत सिखाता है बेटे। नालायक, तूने शराब पी रखी है, तेरी जुरत कैसे हुई ऐसी हालत में घर आने की? जा बुड्ढे, ये घर किसका है? मेरा घर है। बाहर पत्थर किसके नाम का लगा हुआ? हाँ मेरे नाम का। मैं जब चाहूंगा, जिस हालत में चाहूंगा, इस घर में आऊंगा और जाऊंगा। तू होता कौन है पूछने वाला? तू है कौन? अंतु। अंतु नहीं, अनंतराम कहो, अनंतराम। घर के मालिक से बात करने की तमीज सीखो। नमक हराम बेशर्म, मैं इस पत्थर को अपना खून देकर सींचता रहा, आज तीन के सांप को दूध पिलाता रहा। निकल जा, निकल जा इसी वक्त इस घर से। कुल करल Thank you.
दौरा फिर पड़ गया। आराम से ले जाओ। ये अचानक किस रोग ने तुम्हें आखिरा है? मेरा रोग अंतु है, अंतु। अब भूल भी जाओ सिर की बात को। सिर की बात भूलना आसान है तारा, अंतु का खून सफेद हो गया। सात आठ दिन से बिस्तर में पड़े हैं, जरा भी फर्क नहीं। कैसे फर्क हो सकता है, मैंने तो बीमारी का सुनते ही उनकी कुंडली देखना शुरू की।
तो ऐसा मालूम पड़ा कि बेटे के ग्रह बाप के लिए बहुत भारी है। तुम्हारा मतलब अंतु? अरे नहीं 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 नहीं, उस बेचारे को बीच में क्यों घसीट रही हो? अंतु को दयाल जी ने तो अपना बेटा ही नहीं माना, और जिसे मानते हैं वो जिस तरह अपने असली माँ बाप पर भारी था उसी तरह इन पर भी भारी, बहुत भारी है। मैं कहता हूँ अब जब उफ, बड़ा खतरा है उन्हें, ना जाने भगवान क्या हो जाए, क्या हो जाए दयाल जी को, कुछ पता नहीं, उसके रहने से जाने क्या हो जाए। मामा जी को क्या हो जाएगा? अरे पूछ कि क्या नहीं हो जाएगा, तू यमदूत की तरह उनकी छाती कटा हुआ है, उनकी छुट्टी हो जाएगी, राम नाम सत्य हो जाएगा उनका। अरे मैं कहता हूँ कहीं और चला जा, भाग जा यहाँ से, यहाँ से चला जा कहीं और, तुम भी छोड़ उनका, जा रहा था। चलो भैया आओ, चलो चलो। क्या हो गया? जाली हो गई छुट्टी, सोने जैसी काया मट्टी हो गई, इतना सब कुछ था, मुझे खबर तो करी होती, मैं क्लेश निवारने जाओ पड़ता, कुछ तो करता मैं। तारा भाई थोड़ा सा गंगा जल ले आओ, ले आओ, मैं अभी मंत्र पढ़ के बढ़ा देता हूँ। भगवान मेरे मामा को अच्छा कर दे, भले ही मेरी जान ले ले, मेरे मामा को कुछ ना हो, चाहे मैं मर जाऊं। अरे तुझे तो भगवान ने अमर फल खिलाकर भेजा है, तू तो सबको खाकर भी नहीं मरेगा, सत्यानाशी, खबरदार जो उनके पास गया तो। अगर मैं मामा जी के पास नहीं जाऊंगा तो वो अच्छे हो जाएंगे? हाँ हाँ, तेरे यहाँ ना रहने से वो बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। अगर मैं चला जाऊंगा तो वो अच्छे हो जाएंगे? बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे, तू इस घर से निकला नहीं कि तेरे मामा की सारी बीमारी खत्म, समझा? अरे ये पूछ कि क्या नहीं हो जाएगा, तू यमदूत की तरह उनकी छाती कटा हुआ है, उनकी छुट्टी हो जाएगी, राम नाम सत्य हो जाएगा उनका। कहीं और चला जा, भाग जा यहाँ से, तू तो सबको खाकर भी नहीं मरेगा, सत्यानाशी, खबरदार जो उनके पास गया तो। तू इस घर से निकला नहीं कि तेरे मामा की सारी बीमारी खत्म, समझा? अब मुझे जाना ही होगा, अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। मोती तुम मुझे भूल जाना। चुपके से घर छोड़ के दर दर भटक रही ये जान, ध्रुव प्रहलाद से क्या कम है इस बालक का बलिदान, इस बालक का बलिदान। दुनिया वालों तुम दीवाने, जुल्मी कातिल हो बेगाने, तुमसे पशु ही अच्छा, दर्द दोस्त का पहचाने, जो दर्द दोस्त का पहचाने, रह गया किनारा दूर, और ये फूल हुआ मजबूर, भंवर में चक्कर खाता। आसमान अब पिता है इसका, और धरती है माता, भगवान की देखो भूल, बिछड़ गया डाली से एक फूल, रहा अब किससे नाता। आसमान अब पिता है इसका,
इसका और धरती है माता भगवान की देखो भू। दीपू कहाँ है? आज दोपहर से नजर नहीं आया। सो गया होगा। अरे माँ कह सुनी देती के घर में नहीं है। कहाँ दीपू? कहाँ दीपू? इतनी रात तक तो कभी बाहर नहीं रहा। कहीं भी नहीं। आप दवा पीकर सो जाइए। लो। नहीं, पहले दीपू को ढूंढ लो। अरे माँ ये तो अपने लाडले दीपू के हाथ से ही दवा पिए। उसके हाथ से पीऊंगा। क्यों? उसके हाथ से। कहाँ जा रहे हो? अरे अंतु भगवान के लिए दीपू को जाकर बुलाना लाना। मेरे सर में दर्द हो रहा है माँ। मैं जानता हूँ नहीं कोई नहीं जाएगा। मुझे जाना पड़ेगा। म्युनिसिपल वाले आवारा कुत्तों को पकड़ के ले जाते हैं और उन्हें गोली मार देते हैं। तुम भी अपने कुत्ते गले में पट्टा डालो वरना इसे भी ले जाएंगे। मोदी तू नहीं बोलना, बाहर मत निकलना। मैं तेरे लिए पट्टा लाता हूँ। देख तू बाहर निकला तो तुझे भी पकड़ के ले जाएंगे, समझा? मेरी मोती की रक्षा करना। वही कुत्ते का पट्टा है? हाँ है, ये लो। कितने का दिया? एक रुपया चार आने का। मेरे पास तो सिर्फ चारा नहीं है। चारा नहीं तो कुत्ते को मरवा दो, जा भाग जाओ यहाँ से। ये नहीं हो सकता। ये लो थैला। थैला क्या करूँगा तो आने का? बिस्तरा देखूँ क्या है इसमें। इसके बाद ये पट्टा मिल सकता है? मैं इसे नहीं दूंगा, ये मेरी दीदी की निशानी है। मैं इसे नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। तो भाग यहाँ से, पट्टा उठा नहीं मिल सकता। ये लो। अरे वाह, भाव तो ऐसे पूछ रहा है जैसे मन दोमन खरीदेगा। कितनी चाहिए? चार आने की कितनी आएंगी? दो। सिर्फ दो? तुम बोलो तो सब के सब दे दूं। नहीं तो ही दे दो। Thank you.
सोच सोच से तू इतना रो तेरी आंखों से आंसू की नदी बह जाए और उसने तू प्यार की मारी दुनिया डूब जा। अब तुम ही बताओ भैया, क्या निकालने के लिए मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था? नहीं 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 नहीं, तुम पर झूठी तोहमत धरने के लिए वो पंख निकलते ही दुनिया की सैर करने के दफू चक्कर हो गया। लफंगा था, आवारा था, आवारा। मेरे जख्मों पर नमक मत छिड़को, मेरे दीपों पर दोष मत लगाओ। दयाल जी, सच्ची बात कड़वी लग गई ना, नीच ग्रह में पैदा हुआ था आपका दीपू तो क्या मैं उसके ग्रह बदल देता। दो बार उसने मेरी जेब काट ली थी, मैंने कभी शिकायत की आपसे? लेकिन मैं फिर कहता हूँ, वो चोर था, डाकू था, डाकू। मत रुखेला। मामा जी, निकल जाओ मेरे घर से। मामा जी, हट जाओ बेटी, इस कबीले पंडित के बच्चे ने हमेशा दीपू से प्यार किया, इसी ने उसे निकलवाया घर से। ये पंडित नहीं, पाखंडी है, पाखंडी है ये। दयाल, तुम मेरा अपमान कर रहे हो। तुम्हारा मेरा संपर्क मेरे शादी में खत्म हो गया। तुम मेरे लिए मर गए, मैं तुम्हारे लिए मर गया। चलो जाओ, चलो। मामा जी को ऐसी हालत में छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? जाओ बेटी जाओ, अगर दीपू के खो जाने से जब के ले जा नहीं पता तो तुम्हारे जाने से मैं मरता नहीं। चलो चलो जाओ। जोश से जोश जला ला ला, दीपू तू यहाँ? हाँ भाई, पर तू भी इसकी बात नहीं, जितने पाप किए उन सब का प्राचित कर रहा हूँ, भजन कीर्तन करता हूँ और लोगों की सेवा भी। तू भी चल मेरे साथ। कहाँ? आश्रम में, हमारे गुरुदेव के पास, जिनकी कृपा से अब मैंने बुरे काम करने छोड़ दिए। तुम सच कहते हो? चल के अपनी आंखों से देख ले, तेरे सारे दुख दूर नहीं कर दिए तो मुझे पंडित बोले ना, नहीं कहना। चल चल ना दीपू, चल। तो ये लिए मरना भी एक खेल है। वाह 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 वा। ये क्या करते हो उस्ताद, जो आदमी गुड़ खा के मर जाए उसे जहर देते आप? बड़ी शर्म की बात है। लल्लू उस्ताद, ये नया पंछी इस पिंजरे में फड़फड़ा रहा है उड़ने के लिए, इसे समझा दो कि मेरे गुस्से को जगाना मौत को आवाज देना है। उस्ताद, इस नए पंछी को मेरे हवाले कर दो, इसके पर ऐसे कटक दूंगा कि दिन भर बैठा फल पलाता रहेगा। अच्छी बात है, तू इस पर अपना धन जमा ले, मैं चला धंधे के लिए। अच्छा सुन दे बेटा दीपू, थोड़े ही दिन में तुझे बना दूंगा सुल्तान टीपू। आ मेरे साथ चलना है। शुक्र है अल्लाह का, हो जहाँ के मल्लाह का। तेरी सूरत तो बड़ी भोली है, तेरा काम जल्दी पड़ सकता है। तरकीब नंबर एक, ऐसा करते तुझे अंधा बना देते। नहीं, मैं अंधा नहीं बनूंगा। आधा सच्चा अंधा नहीं, फिल्मी अंधा। दूसरी फिल्म देखी थी, उसमें एक अंधा था, वो गाना गाता था, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं ना दूंगा, आवाज मैं ना दूंगा। माफ करना भाई साहब, बंदा हूँ। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, वैसे गाते गाते टकराएगा, माल हाथ में आएगा, तू यहाँ लेके आएगा, गंगू चैसे गले लगाएगा, मैं से हराम की कमाई को ठोकर मारता हूँ। कमाल है, इसको कैसे समझाने का भी। तरकीब नंबर दो, बहुत आसान काम है, नोटों की बरसात, सड़क पे तमाशा। बाबा 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 बाबा, इस दीवाने ने दिल में क्या जादू चलाया, तुम हमसे प्यार आया, प्यार आया, हम कहो तुमसे प्यार आया, प्यार
चल जाऊं बन के जमाता परवाना, भरना जीना खाना पीना हंसना रोना नहाना धोना सोना उन्ना चलना फिरना आना जाना, हम दीवाने ने मोहब्बत में बुलाया हम तो क्यों आया ना पसंद, कितना सस्ता बंदा है, मैं हाथ नहीं फैलाऊंगा, मैं भीख नहीं मांगूंगा। अरे जो कोई भी यहाँ पहले आता ना यही डायरेक्ट बोलता है, मैंने भी बोली थी, लेकिन वो गंगू उस्ताद के जब आंसर पढ़ते ना सब ठिकाने लग जाते हैं। तू क्या चीज है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तेरी चटनी बने। जिम्मी मास्टर, ओ मास्टर जिम्मी, इधर इधर चलता। आज तुम तो बड़े मूड में हो यार। ये देख उस्ताद के भट्टी से 20 लीटर माल लेके आया, ये माल उधर पैसा इधर। शाबाश, हिल लगे ना फटक रही रंग चौ का आए, पुलिस वालों की आंखों में धूल झोंक कर अभी के अभी जिमी मास्टर 10 रुपए कमा के लाएगा। मेरे कमाए भी चुकता है, छोड़ दो जिमी मास्टर, तुम तो गुस्सा बिल्कुल बुद्धू है, इसको समझाने का कैसे। सुनो ओ लड़को मास्टर, ओ मास्टर लड़को, अभी आता हूँ। सीधा सीधा और साधा और सिंपल रास्ता बताता हूँ, ये है लाल और रॉक्सी और इंपीरियल की टिकट। वो तो है, धंधा कैसे करेगा वो बताओ। सौ बढ़ाई दो के चार मत कर विचार, एक घंटे में 20-25 रुपए कमाएगा, क्यों बेटा पसंद है। नहीं मैं नहीं करूँगा। वाह वाह वाह, अगर ब्लैक नहीं करेगा तो हीरो कहाँ से बनेगा। अबे ये तो जीरो बनेगा, जीरो जीरो जीरो। लेके चलो उस गंगू उस्ताद के पास, देखो बातों के भूत रातों से नहीं मानते। चल बे, चल तुम ये सब क्यों करते हो। पापी पेट के लिए, कोई रिटेल करता है कोई होलसेल करता है, दुनिया में सभी यही काम करते हैं, लेकिन मैं नहीं करूँगा और आज से तुम भी नहीं करूँगा। क्या बकता है, लाना है तुम्हारी जिंदगी पर, ऊंचाई से डरते हो और अंधेरे में रहते हो, ये कहा था तुमने कि इस पाप के कीचड़ में पलते हो, जुल्म की आग में जलते हो। शर्म करो कि बार बार धूम की धरती पर कलयुग जय काट रहा है, दिन में शराब बेच रहा है। डूब मरो कि भक्त प्रहलाद की पवित्र भूमि पर लालू उस्ताद नर अवार कर रहा है। मुझे तो रोना आता है तुम्हारे कारनामों पर, तुम्हारी जिंदगी पर, तुम्हारे भविष्य पर, क्योंकि तुम आज के बालक और कल के रहनुमा हो, तुम ही देश हो, तुम ही समाज हो, तुम ही दुनिया हो। अंदर झांक कर देखो कि तुम कितने अच्छे हो, कितने भोले हो। सोचो कि तुम माँ भारत माँ के आंखों के दुलारे हो, बापू के सपनों के सितारे हो। अब जागो कि तुम डूबती नहीं आगे क्यों आए, सर क्यों झुका दिया तुमने, मिलाओ मेरी नजरों से नजर और उठाओ अपना सर और बुलंद करो आवाज, छेड़ो नया सुन, छोड़ दो आज से ये नीच का, निकल चलो इस नर से आज, मिटा लो अपने माथे का कलंक, ईश्वर ने दिल दिया है तो किसी से प्यार करो, हाँ दिए है तो किसी का भला करो, आंसू दिए है तो किसी के दुख में बहाओ, भारत माँ के संतान हो उसके दूध को न लजाओ, उसके चरण चूम लो उसके आंसू पोंछ लो। बोलो क्या बनोगे, सड़क के रोड़े या आकाश के तारे, क्या बनोगे, कांटे बनोगे फूल, कांटे बनोगे फूल, बोलो क्या बनोगे। फूल फूल कांटा, मैं भूला, अब फूल फूल। माफ करो भैया, तुमने हमारे आंखें खोली, आज से नई जिंदगी और नया रास्ता। वाह पाटिल, तूने तो कमाल कर दिया, हम तो अपने आप को न जाने क्या क्या समझते थे, हम तो तेरे पांव की धूल भी नहीं। तो सुनो भाइयों,
अपन को ऐसा काम करना चाहिए कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। कल सुबह हम तो जाएंगे ठीक जैसे वो जाते हैं, मगर लौट के वापस नहीं आएंगे। ठीक है निर्गुण सर? बिल्कुल ठीक। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा मेरे 52 पत्ती की किताब तुझे मेरा आखिरी सलाम। ये क्या हुआ? अभी तक कोई भी नहीं आया? कहां रह गए ये सब के सब? ये सब आज कहां मर गए? सब बच्चे चले गए, अब कभी नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि अंधों को आंखें मिल गई। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने सबको भगा दिया। सबको भगा दिया? हाँ। लेकिन तू क्यों नहीं भागा? इसलिए कि तुम्हें सीधा करना है और तुम्हें भी भगा दूंगा। मैं तेरी खाल खींच लूंगा कमीने, तूने मुझे तबाह कर दिया है। दीपू, मेरे दीपू। क्या हुआ? मेरे दीपू को कुछ हो गया। कोई सपना देख रहा है? क्या हुआ? ये तो शायद मर गया है, अब क्या होगा? चलिए देखें तो सही क्या बात है। चलो 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 चलो। अरे कितना बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। अरे इस बच्चे ने तो हम सब की जान बचा दी। इसने तो कमाल कर दिया, कमाल। इतना छोटा बच्चा और इतना बड़ा काम करके दिखाया इसने। आप तो कमाल हो गया, गजब हो गया। इतना होनहार है ये बालक। अगर ये बालक गाड़ी ना रुकता तो हम सबकी लाशें नजर आती। तो भगवान का साक्षात रूप है, साक्षात रूप। पद्मा, पद्मा, अरे कहाँ Oh
अगर तुम उस दिन गाड़ी नहीं रोकते तो आज हजारों घरों में मातम छाया हुआ होता। कौन कहता है तुम्हें कमबख्त? सब सब यही कहते, बस मामा और दीदी नहीं कहते। कहाँ है तुम्हारे मामा? नहीं, मैं मामा के पास नहीं जाऊंगा, दीदी के घर नहीं जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं मनूज। नहीं बेटे, हमारे लिए तुम बहुत भाग्यवान हो। भगवान ने तुम्हें मेरे स्वामी की जान बचाने के लिए भेजा था, अब तुम हमारे ही पास रहो। नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। मेरे यहाँ रहने से आपका हरा भरा संसार उजड़ जाएगा। मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ सब नष्ट हो जाता। नहीं बेटे, भगवान ने तुम्हारे माँ बाप छीन लिए और मुझे कोई बच्चा नहीं दिया। अब तुम इस घर को अपना घर और मुझको अपनी माँ समझो। आज 20 बरस माँ शब्द सुनने के लिए मेरी ममता तरस रही। एक बार मुझे माँ बोलो, माँ बोलो बेटा, माँ मेरे बेटे, मेरे लाल। हेलो, हाँ सर जी है, 1 मिनट प्लीज सर, कॉल। हेलो, हाँ ओ अच्छा सर, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखा ये बालक कितना भाग्यवान है, घर पे पैर रखते ही 5 लाख रुपए का फायदा। 5 लाख? हाँ, आगे चल के न जाने और क्या होगा बेटा। दीपू बेटा, हेलो, देखो तुम्हारे लिए के लिए आया, घोड़ा है, पेंगुइन है, और देखो ना क्या ये देखो मोटर है, ये क्या है, स्कूटर, देखो स्कूटर है। हाँ, एक चीज तो तुम्हें दिखाना भूल ही गया, एक चीज तो तुम्हें अभी दिखाया ही नहीं बेटा। देखो तुम्हारे लिए कैसा सुंदर स्वेटर ले आया हूँ। देखो तुम्हारे लिए एक मिठाई का डब्बा और एक स्वेटर। हाँ, कितनी अच्छी है रेखा दीदी, सर्दी अभी आई नहीं और स्वेटर बुन के गई। मामा जी मैं दीदी बहुत अच्छी। हाँ बेटे, दीदी तुम्हारी बहुत अच्छी है। क्या बात है बेटा दीपक? क्यों बेटा, तुम्हें ये स्वेटर पसंद नहीं है क्या? ये बात नहीं, तो फिर क्या बात? दीदी ने भी मुझे तो तुझे हाथ से बुना स्वेटर पसंद है? अरे मैं भी अपने हाथ से तेरे लिए एक बुन दूंगी, बस ठीक हो जाए ना। खुश हो जा, खुश हो जा, फिर से अंतु से क्या काम ना, मेरे घर आता है ना अपने घर मिलता है, बड़ा ही बुरा धंधा है लेन देन। उसने कुछ लेन देन किया है आपसे? अब तो रकम लौटाने का टाइम हो गया, अंतु जी ने ब्याज भी नहीं पहुँचाया। कितनी रकम उठाई उसने और आपने दी कैसे मुझसे पूछे बिना? मैंने सिर्फ कागज देखे, अनंत राम जी ने मकान रहन रख दिया और रकम उठा ली। मकान रहन रख कर? वो आ गए अनंत राम जी, पूछ लीजिए। अंतु क्यों लिया रुपया तूने इस मकान पर? ये मकान मेरा है, मैं इसे गिरवी रखूं या फोड़ डालूं तुम्हें होते कौन हो, ये मकान मेरा है। तेरा मकान? कहाँ से आया तेरा मकान? निर्लज, ये मकान रहन रखने से पहले तूने मुझे क्यों नहीं बेच डाला? अगर किसी ने अपनी माँ को बेचा होता तो मैं तुझे जरूर बेच डालता। क्या मुझे बेच डालता? नीच कमीना बेचारा। अगर मेरे हाथों में ताकत होती तो जिन हाथों से तूने अपनी माँ को धक्का दिया है मैं उन्हें तोड़ देता, तोड़ देता। अबे जा,
तू क्या मेरा गला घोटेगा तपेश देख के बीमार? अब तो तेरे ये हाथ है ना हमेशा के लिए ठंडे होने वाले हैं। ऊपर जाने की तैयारी कर, इधर तू क्या और उधर मैं अपनी चांदनी को हमेशा के लिए इस घर में ले आऊंगा और फिर घर में उजाला ही उजाला हो जाएगा, समझे बुड्ढे? राम नाम सत्य। सुना तुमने? मैं एक पल इस घर में नहीं रहूंगा। क्या? दर दर की ठोकरें खाऊंगा मगर इसकी ठोकरों से दूर रहूं। जवानी शराबी तू अंतु नहीं, तू मेरे कुल का अंत करके रहेगा। कहां जा रहे हो ऐसी हालत में? तेरे इस लाडले की छाया से दूर, इस नालायक के हाथ मैं अपनी अर्थी को भी नहीं लगने दूंगा। अरे नया हाथ लगाना कौन चाहता है? मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं नहीं, तू अपने लाडले सपूत के पास रहे। ये सपूत नहीं कपूत है, मैं बेटे के मुंह में अंजीर जरूर हो गई थी लेकिन अपने फर्ज को कभी नहीं भूलूंगी। मैं आपके साथ चलूंगी, आपके साथ जीऊंगी, आपके साथ मरूंगी। भगवान मेरे पापों की जमा करना, भगवान दया करो, दया करो भगवान। क्या हुआ इनको? बहुत बीमार है। इनको अस्पताल क्यों नहीं ले जाते? गरीबों के लिए अस्पताल में जगह कहाँ भैया? बहन घबराओ मत, इन्हें मेरे घर ले चलो, होश में आने पर जहाँ जी चाहे ले जाना। रात देखो भैया, उठाइए। भगवान पर भरोसा रखो बहन, सर छुपाने के लिए मेरा घर है। भगवान तुम्हारे पति को जल्दी अच्छा कर दे। रतिया मुझे कहीं नौकरी पर लगवा दो, नहीं तो गुजारा कैसे चलेगा? तू बड़े घर की बहू है, खुले में मेहनत मजदूरी कर सकेगी? बुरा वक्त जो भी करवाएगा सब करूंगी रतिया, नहीं तो इनकी दवा दारू का खर्च कैसे चलेगा? बहू जी। क्या है संपत? एक नौकरानी आई है। घर का कामकाज ठीक से कर सकती है? जी हाँ कर लेगी। हाँ तो फिर ठीक है, रख लो उसको। बहुत अच्छा। जैसी करनी वैसी भरनी, कर्मों का फल पाए। स्वर्ग यहाँ और नरक यहाँ, तू जो बोए सो पाए, तू जो बोए सो पाए। मत गुमान कर अभिमान, जब भाग्य चक्र रुक जाए। बड़े बड़े सम्राटों का पल में मस्तक झुक जाए, पल में मस्तक झुक जाए। अरे महल भी बन गई जेल, के दुनिया दो दिन का है खेल। मुसाफिर आता जाता, आसमान अब पिता है इसका और धरती है माता। भगवान की देखो भू। मैगजीन देना। अरे चांदनी, अरे कहाँ मर गए सब? टुन्नू कहाँ? अरे शराब लाओ सही, कहाँ मर गए सब? हाँ सब जिंदा है, सिर्फ तुम मर गए हो। क्या बकवास कर रहे हो? यह आदमी जब कंगाल हो जाता है तो हमारी नजर में वो मर जाता है। रास्ता खत्म, खेल खत्म। क्या खेल खत्म? अरे चांदनी, चांदनी देखो। चांदनी मुफलिसी के अंधेरे में नहीं, सिर्फ दौलत के उजाले में चमकती है। क्या बकवास करते हो तुम? तुम चलो शराब निकालो। क्या पैसे निकालो? मेरे सारे पैसे चांदनी के पास है, वो मेरा बैंक है, बैंक है मेरा। चांदनी, अरे चांदनी तुम आओ। क्यों शोर मचा रहे हो? देखो ना चांदनी, मुझसे शराब के पैसे मांग रहा है। तो कौन सा गुनाह कर रहा है? क्या तुम्हारे बाप ने शराब की दुकान खोल रखी है? देखो चांदनी, तुम मेरे बाप तक मत पहुँचो वरना ठीक नहीं होगा। अरे वारे बाप के सपूत बेटे,
जब बीमार बाप को दर दर की ठोकरे खाने को छोड़ा तब बाप का ख्याल नहीं आया। सानी, तू ये बात कह रही है? मैंने तेरे लिए तो सब कुछ किया और आज तू ही मुझसे मुंह फेर रही है। कहा ना, यह मोहब्बत की नहीं दौलत की पूजा होती है। अरे तू क्या नहीं था मेरे पास, मैंने क्या नहीं दे दिया तुझको? अपने बुजुर्गों की इज्जत, घर, मकान, दौलत, जवानी सब कुछ लुटा दिया। और तो कौन सा बड़ा एहसान किया? यहाँ तो बड़े बड़े राजे नवाब सब कुछ लुटा गए, तुम किस खेत की मूली हो? उस्ताद जी, इस लफंगे को सड़क तक पहुँचा दो। जानवी, तुम जैसे भिखारी आशिकों की इससे ज्यादा इज्जत हम नहीं कर सकते। नीच, कमीनी, जलील। ये तो मेरे पैदाइशी नाम है। मुझे नहीं मालूम था कि तू खूबसूरत फूलों से ढका हुआ तबाही का कुआ है जिसमें तुम जैसे अंडे डूबते। मैं तुझे जान से मार डालूंगा, मैं तुझे जान से मार डालूंगा, जान से मार डालूंगा। मेरा मकान बिकवा कर मुझे घर से धक्के देने वाली है। एक कोठा है बेटा, कोठा, यहाँ तेरे जैसा 360 है और चलेगा। चल, लेकिन मैं पुलिस को लेकर आपने कुछ कहा नहीं। क्या कहूँ मैं, मरीज की हालत बहुत ही खराब है। खराब है? हाँ, अगर 24 घंटे के अंदर ऑपरेशन नहीं किया गया तो मरीज के बचने की कोई उम्मीद नहीं। भगवान, मैं क्या करूँ? डॉक्टर साहब, ऑपरेशन के लिए कितने रुपए लगेंगे? इस केस के लिए तो डॉक्टर करण यही एक्सपर्ट है और वो पूरे केस की फीस का 2000 चार्ज करता है। 2000 रुपए? हाँ, क्योंकि आप गरीब हैं, मैं आपकी उनसे सिफारिश कर दूंगा। फिर भी कम से कम 1000 रुपए का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। डॉक्टर साहब, 1000 रुपए का मैं कहां से इंतजाम करूंगी? ये सोचना तो आपका काम है, अगर आपका इंतजाम हो जाए तो मुझे इतला कर दीजिएगा। अच्छा, तो मैं चलूं। नमस्ते। 24 घंटे के अंदर ऑपरेशन नहीं किया गया तो मरीज के बचने की कोई उम्मीद नहीं, 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 मरीज के बचने की कोई उम्मीद नहीं। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं मुझे क्या हो गया है, सिर चकरा रहा है। तो फिर तुम आराम करो, बाहर मौसम भी खराब है, रात को यहीं ठहर जाना। हाँ, अच्छा। माफ कर दो देवी, मुझे माफ कर दो। पुलिस स्टेशन।
मैं केदारनाथ बोल रहा हूँ, केदार निवास से। हमारे घर में चोरी हुई है, चोर पकड़ा गया। अब जल्दी चले आइए, जल्दी। पुलिस में देकर मेरी जिंदगी यूँ खराब न कीजिए। मैं झोली फैला कर आपसे दया की भीख मांगती हूँ। एक मुजरिम के लिए मेरे दिल में कोई दया नहीं। सेठ जी, अपने बच्चे के सदके मेरा कसूर माफ कर दीजिए। सेठ जी, मैं बहुत दुखी हूँ। सेठ जी, मैं आपके चरण उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मुझे माफ नहीं कर देंगे। सेठ जी, हाँ सेठ जी, सेठ जी अंदर है। पिताजी ने बहन का सपना देख लिया तो चोर चोर के चिल्ला उठे और उसी घबराहट में आपको फोन कर दिया, और जब सबका पता चला तो आपको फिर से फोन किया, तो आप तो निकल चुके थे। क्या आपका बेटा ठीक कह रहा है सर जी? हाँ, मेरा बेटा ठीक ही कह रहा। सॉरी, गुड नाइट। ये क्या कर रहे दीपू, ये क्या मजाक है? मेरा दीपू हर बात तोल के करता है। मैं समझ गया, जरूर इसमें कोई राज है। इसमें क्या राज हो सकता है? बोलो बेटा, क्या राज है? बोलो। जिसे आप चोर समझते हैं वो चोर नहीं बल्कि मेरी मामी जी है। मामी जी? मामी जी। दीपू, दीपू, दीपू मेरे लाल, आज तूने मेरी लाज रख ली बेटे, वरना मैं कहीं की ना रहती। पिताजी, मेरी मामी जी ही सही पर मेरी माँ भी। जब मेरे माँ बाप मुझे दुनिया में अकेला छोड़ के चले गए तब इन्होंने ही मुझे सीने से लगा के पाल पोस के बड़ा किया था। मैं इनका असर जिंदगी पर नहीं भूलूंगा। मामा जी कहा? बेटे, तेरे मामा जी बहुत बीमार हैं। डॉक्टर ने कहा है अगर कल तक ऑपरेशन ना हुआ तो बचने की कोई उम्मीद नहीं। ऑपरेशन के लिए मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं, इसलिए मैंने चोरी। पिताजी, जल्दी करिए, मेरे मामू को बचा लीजिए। आप भी चलिए, देर हो जाएगी तो हम चल। हाँ बेटा, जरूर जाएंगे। कैलाश, ड्राइवर को बोलो गाड़ी निकालने के लिए। चलो बेटा, हम लोग तैयार हो ले। दीपू, तेरे मामा जी के घर का नाम अनंत निवास है ना? हाँ पिताजी, क्यों? नहीं, कुछ नहीं। ऑपरेशन इज सक्सेसफुल। थैंक यू डॉक्टर। पिताजी, मेरे मामा बच गए। हे भगवान, तूने मेरे सुहाग की लाज रख ली। अनंत निवास की बोली 20,000, 21,000, 21,000, 22,000, 23,000। यार दास, आज तेरी इज्जत नीलाम हो रही है, तेरे मकान की बोली लग रही है और एक एक बोली पर मेरा सीना फूल रहा है। 25,000, 26,000, 26,000, 26,000, 26,000, 27,000, 27,000, 27,000, 27,000। चलिए। मेरे भैया, तो पूरे समय कैसे मुझे छोड़ गए? तुमसे दूर हो गए और तुम्हें याद दे दिया हमेशा। 30,000 दो मामा जी। सुखी रहो बेटी, सुखी रहो मामा जी। दीपू ने हम सबको फिर से मिला दिया। मामी, मुझे माफ कर दो रेखा। 30,000 लो बेटा, जाओ रुपया दे के आओ। ये लीजिए 30,000। ये लो। आज की तारीख में हमारी हो, एक बच्चे ने हमें भी खरीद ली, एक बच्चे ने। हम सब अलवा बैठे हैं, हम मेहनत की कमाई करते हैं। मोती, मोती तो आ गया।
तो आगे मती, मेरा प्यारा मती। माँ। अंतु, 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 मेरा लाल। माँ मुझे माफ कर। माफी मुझसे नहीं, अपने पिताजी से मांग बेटा। पिताजी, पिताजी माँ, माँ मांगने का। सुबह का भूला शाम को घर लौटा है तो वो भूला नहीं कहलाता। चलो 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 हो गई छुट्टी। अंतु बेटा तो अपने हाथ से शुभ कार्य करो। चलो बहन तुम भी। तुमने बाप ये कहा